दोस्तों चालू करते हैं गणित की नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में भाग दो, जो कि 10 मिनट की सीरीज बना रहे हैं दोस्तों। तो चालू करें, इसमें आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, पहला है सम संख्या। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सम संख्या, जिसको हम इवन नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इवन नंबर्स। बेप्राकृतिक संख्याएं, बेप्राकृतिक संख्याएं जो दो से विभाजित, दो से क्या हो जाए दोस्तों? विभाजित हो जाए, विभाजित हो या कट जाए, वह पूर्ण रूप से भाग चला जाए, इसको ये कहते हैं। वह सम संख्या, सम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, 10, 10, इन्फिनिटी। दूसरी संख्या होती है दोस्तों विषम संख्या। कौन सी संख्या आती है? विषम संख्या, जिसको हम ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑड नंबर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑड नंबर्स। बेप्राकृतिक संख्याएं, बेप्राकृतिक संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं हो, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 अनंत तक। ये संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? विषम संख्या कहलाती हैं, जो कि दो से विभाजित नहीं हो सकती, कट नहीं सकती, उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। अगली हमारे पास आती दोस्तों तीसरे नंबर में पूर्ण संख्या। कौन सी दोस्तों? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहेंगे दोस्तों? होल नंबर्स। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर। प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को शामिल करने से संख्याओं का जो समूह या समुच्चय बनता है, समूह या समुच्चय बनता है, उसे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय या समुच्चय या समूह कहलाता है या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कहलाता है या कहते हैं। जैसे, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि होल नंबर स्टार्ट विथ जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है, 4, 5, 6 डैश 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 इन्फिनिटी। ये हो गया दोस्तों हमारा पूर्ण संख्या। अगली संख्या आती हमारे साथ पूर्ण संख्या के बाद चौथा, पूर्णांक संख्याएं। कौन सी दोस्तों? पूर्णांक संख्याएं। कौन सी आएंगी? पूर्णांक संख्याएं, जिसको हम इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इंटीजर्स या इंटीजर नंबर कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। प्राकृतिक इंटीजर्स को हम जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इनसे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय
कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 इन्फिनिटी, -1, -2, -3 डैश 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 अनंत तक। ये हो गया दोस्तों हमारा पूर्णांक संख्या का समुच्चय हो गया। अगला हमें देखें पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय के बाद हमारे साथ आती है पांचवें नंबर में भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं दोस्तों? भाज्य संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? कंपोजिट नंबर्स, इनको भाज्य संख्याएं बोलते हैं। बे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर, अपने को छोड़कर मतलब स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी, किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित मतलब कट जाए या भाग चला जाए, विभाजित हो सके या भाग जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2, 4, 6 आदि। क्या कहलाती हैं दोस्तों? भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर 4, 6 आदि, ये भाज्य संख्याएं हैं। 4, 6 आदि और बढ़ती जाएगी तो ये सब क्या कहलाती है दोस्तों? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला जो आता है हमारे पास अभाज्य संख्याएं, छठवें नंबर में क्या आएंगी? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी दोस्तों? जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे दोस्तों? प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? बे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल, वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक या अपने आप से विभाजित हो सकें। क्या हो सकें? एक या अपने आप से विभाजित हो सकें। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5 इत्यादि। ये सब क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्याएं हैं जिनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर जो हो वो स्टार्ट होती है दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश 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 अनंत तक ये जाती है। तो दोस्तों हमने आज की इस सीरीज में पढ़े सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया, उनकी परिभाषाओं को जाना। हम एक अगले भाग में हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और भी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं उनको लेकर आएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।